सुप्रीम कोर्ट का NA 62 में जिमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म। अदालत ने हल्के में इलेक्शन मुलतवी कराने का नोटिफिकेशन मुलतवी करार दे दिया। सरबरा आवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान की जीत पाकिस्तान की जीत है। इलेक्शन कमीशन की ज्यादतियां और मुलाजिम भूल चुका हूं। करप्शन, पेनामा लीक्स और मजहबी छेड़छाड़, तख्ते लाहौर नून लीग के हाथों से निकलने लगा। पीपल्स पार्टी का भी साथ ना देने का फैसला। नौ मुंतखब लीगी अराकान पार्टी इजलास से दागे गए। हमजा शहबाज कहते हैं कि तख्ते लाहौर के लिए आखिरी दिन तक कोशिशें जारी रखेंगे। राणा सनाउल्ला की लीगी अराकान को किसी के झांसे में न आने की तरगीब। कप्तान जो कहेंगे वही होगा। जहांगीर तरीन कहते हैं, पंजाब की वजारत आला के लिए ना कोई नाम फाइनल नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत उज़्मा के लिए आतिफ खान तकरीबन फाइनल है। परवेज खटा कहते हैं, सूबे में CM का जो भी नाम आया कबूल करेंगे। बलूचिस्तान में PTI की वजारत आला के लिए जाम कमाल की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। दिल्ली आई तो कई मनाजर बदल गए। तहरीके इंसाफ, विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। कौमी असेंबली के लिए काफ लीग, GDA, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद MQM ने भी हमायत का ऐलान कर दिया। 25 अराकीन पंजाब असेंबली और 9 आजाद उम्मीदवार का आज PTI में शमूलियत का इम्कान। काबीना के लिए बनी गाला में दिन रात मुशावरत जारी। इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात का रेफरेंस। गवाह इश्तियाक अहमद का बयान कलम बंद। समाज 7 अगस्त तक मुलतवी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाज आज फिर होगी। जाते जाते एक एहसान ही सही, निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक अगस्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रहेंगी। पेट्रोल 95.24 रुपए और डीजल 112.94 रुपए फी लीटर में फरोख्त होगा। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला आम आदमी को रिलीफ देने के लिए किया गया है। चलो शाबाश, हो जाओ तैयार। वालदैन ने भी सुख का सांस लिया। बच्चों की मौजें खत्म, तालीमी इदारे खुल गए। सिंध और बलूचिस्तान में भी मौसम गर्मा की तातीलात खत्म हो गई। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। पहले रोज ही नौनिहालों की भरपूर हाजिरी। बच्चों की अटकेलियों और शैतानियों से वालदैन जहाँ महजूज होते तो वहीं परेशान भी रहे। तुर्क सदर रैयब तय्यिब अर्दोगान का इमरान खान को टेलीफोन। इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। पाकिस्तान और तुर्की के माबेन तल्लुकात के लिए नए दौर के आगाज पर इत्तेफाक। साबिक क्रिकेटर वकार यूनस, सरफराज और हफीज भी कप्तान को मुबारकबाद देने बनी गाला पहुँच गए। हम तमाम लोगों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, हमारे भी मैंडेट का एहतराम किया जाए। कुछ लेना चाहते हो तो कुछ देना पड़ेगा। MQM ने साथ देने की भारी शर्त आयद कर दी। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि हुकूमत साजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। सिंध में ओपोजिशन में बैठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी MQM पर मुकदमात खत्म करवाने की पार्टी को क्लीन चिट दिलवाना होगी। चलो
चलो चलो अडियाला वापस चलो। नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी, अडियाला जेल वापस भिजवा दिया गया। जराए का कहना है कि नवाज शरीफ मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई काबिल तश्वीश बात न होने के बाद उन्हें वापस अडियाला जेल मुंतकिल करने का फैसला किया गया। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल रखने वाले आर्मी चीफ ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। लाहौर की बाहिम्मत फखर के लिए पाक फौज की जेर इंतजाम इदारे में नौकरी दे दी गई। फजर माजूरी के बावजूद दो वक्त बनने में कामयाब। लो आ गई फिर से परचमों की बहार, लहरा उठे हर तरफ सब्ज हिलाली परचम, हर सीने पे सजेंगे पाकिस्तानी परचम वाले झंडे। नौजवान तबके में जश्न आजादी का जोशो जज्बा बढ़ गया, बच्चे बड़े और जवान सब्ज हिलाली परचम और झंडियों की खरीदारी में मसरूफ है। बच्चियां सब्ज और सफेद चूड़ियां, जबकि बच्चे भी परचम के रंगों वाले मलबूसात की जानिब मुतवज्जा हो गए। बुजुर्ग अफराद अपने घरों में तहरीके आजादी के किस्से सुनाने में मशगूल। और मेक्सिको में त्यारा हादसे में 85 अफराद जख्मी हो गए। त्यारे में 97 अफराद अमले के साथ साथ 4 सवार भी सवार थे। त्यारे ने मेक्सिको के एयरपोर्ट पर प्रवास भरी और टेक ऑफ की थोड़ी देर बाद ही हादसे का शिकार हो गया। अस्सलाम वालेकुम, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम जाहिद और मैं हूं कासिम खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट का NA 62 NA 60 में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, अदालत ने हल्के में इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुलतवी करार दे दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान की जीत पाकिस्तान की जीत है, इलेक्शन कमीशन की ज्यादतियाँ और मुजालिम को भुला चुका हूँ। आपको यहाँ अहम और बड़ी खबर से अपडेट करते चलें, सुप्रीम कोर्ट का NA 60 में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म, अदालत ने हल्के में इलेक्शन मुलतवी कराने का नोटिफिकेशन जारी दे दिया। सरबराह आवाम मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान की जीत पाकिस्तान की जीत है, इलेक्शन कमीशन की ज्यादतियाँ और मुजालिम को भुला चुका हूँ। जी बिल्कुल, आपको एक अहम और बड़ी खबर से आगाह करते चले कि सुप्रीम कोर्ट का NA 60 में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म, अदालत ने हल्के में इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुलतवी कर दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान की जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है, इलेक्शन कमीशन की ज्यादतियाँ और मुजालिम भूल चुका हूँ। आपको एक बड़ी खबर से आगाह करते चले कि सुप्रीम कोर्ट का NA 60 में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म, अदालत ने हल्के में इलेक्शन मुलतवी कराने का नोटिफिकेशन मुलतवी करार दे दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान की जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है, इलेक्शन कमीशन की ज्यादतियां और मुजालिम भुला चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट का NA 60 में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म, अदालत ने हल्के में इलेक्शन मुलतवी कराने का नोटिफिकेशन मुलतवी करार दे दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान की जीत पाकिस्तान की जीत है, इलेक्शन कमीशन की ज्यादतियां और मुजालिम को भुला चुका हूं। आपको यहां एक बड़ी खबर से अपडेट करते चलें, सुप्रीम कोर्ट का NA 60 में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म, अदालत ने हल्के में इलेक्शन मुलतवी कराने का नोटिफिकेशन मुलतवी करार दे दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान की जीत पाकिस्तान की जीत है, इलेक्शन कमीशन की ज्यादतियाँ और मुजालिम को भुला चुका हूँ। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का NA 60 में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म सामने आया है, अदालत ने हल्के में इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुलतवी करार दे दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान की जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है, इलेक्शन कमीशन की ज्यादतियाँ और मुजालिम भुला चुका हूँ। आपको अपडेट करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का NA 60 में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म, अदालत ने हल्के में इलेक्शन मुलतवी कराने का नोटिफिकेशन मुलतवी कर दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान की जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है। जी हां बिल्कुल, यहां आपको अपडेट करते चलें, सुप्रीम कोर्ट का NA 60 में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म, अदालत ने हल्के में इलेक्शन मुलतवी कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान की जीत पाकिस्तान की जीत है।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से मुजम्मिल हुसैन, उनसे जानते हैं। जी मुजम्मिल हुसैन, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी 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 बहुत शुक्रिया मुजम्मिल हुसैन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट का NA 60 में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म, अदालत ने हल्के में इलेक्शन मुलतवी कराने का नोटिफिकेशन मुलतवी करार दे दिया। सरबरा आवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान की जीत पाकिस्तान की जीत है, इलेक्शन कमीशन की ज्यादतियाँ और मुजालिम को भुला चुका हूँ। यहाँ आपको एक बड़ी खबर से अपडेट करते चलें, सुप्रीम कोर्ट का NA 60 में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म, अदालत ने हल्के में इलेक्शन मुलतवी कराने का नोटिफिकेशन मुलतवी करार दे दिया। आगे आपको बताएं कि नून लीग के हाथों से तख्ते लाहौर निकल गया, पीपल्स पार्टी ने साथ ना देने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी जानिब PTI तहरीके इंसाफ की जानिब से भी आपको बताते चलें कि तहरीके इंसाफ अब हुकूमत बनाएगी और मुस्लिम लीग नून के हाथों से तख्ते लाहौर निकल चुका है। एक तरफ पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग की हमायत का ऐलान नहीं किया, तो वहीं दूसरी जानिब नौ मुंतखब लीगी अरकान ने भी दगा कर दिया है। आपको बताते चलें कि करप्शन पेनामा लीक्स और मजहबी छेड़छाड़, तख्ते लाहौर नून लीग के हाथों से निकल चुका है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ आपको एक बड़ी खबर से अपडेट करते चलें, करप्शन पैनामा केस और मजहबी छेड़छाड़, तख्त लाहौर नून लीग के हाथों से निकलने लगा है, पीपल्स पार्टी का भी साथ ना देने का फैसला। नौ मुंतखब नौ लीगी अरकान पार्टी इजलास में भी दगा दे गए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज कहते हैं, तख्त लाहौर के लिए आखिरी दिन तक कोशिशें जारी रखेंगे, राना सनाउल्ला की लीगी अरकान को किसी के झांसे में ना आने की तरकीब। आपको एक बड़ी खबर से अपडेट करते चलें, करप्शन पैनामा लीक्स और मजहबी छेड़छाड़, तख्ते लाहौर नून लीग के हाथों से निकलने लगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार इकबाल शाहिद साहब। जी इकबाल शाहिद साहब, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी 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 जी
जी जी जी जी जी अच्छा इकबाल शाहिद यहाँ ये बताइएगा तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है, इसके साथ साथ हमजा शहबाज कहते हैं कि तख्त लाहौर के लिए आखिरी दिन तक कोशिशें जारी रखेंगे, आखिर ये कौन सी कोशिशों की बात कर रहे हैं? जी 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 अच्छा इकबाल शायद यहाँ ये बताइएगा नून लीग तो खुद इतनी बड़ी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है, पीपल्स पार्टी ने पहले साथ देने का कहा और लेकिन वो फिर अपने साथ देने से मुकर गई, इसके साथ साथ नून लीग के नौ लीगी अरकान भी जो साथ थे वो भी साथ छोड़ गए। जी 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 बहुत शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब, आपने अपनी हमें कीमती राय से आगाह किया। आपको बताते चलें करप्शन पानामा लीक्स और मजहबी छेड़छाड़ तख्त लाहौर नून लीग के हाथों से निकलने लगा, पीपल्स पार्टी का भी साथ ना देने का फैसला, नौ लीगी अराकीन पार्टी इजलास से भी दगा दे गए। हमजा शहबाज कहते हैं तख्त लाहौर के लिए आखिरी दिन तक कोशिशें जारी रखेंगे।
आगे बढ़े और आपको बताएं, जहांगीर तरीन कहते हैं कप्तान जो कहेंगे वही होगा। उनका कहना था कि पंजाब के वजारत आला के लिए कोई नाम अभी तक फाइनल नहीं किया गया, अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए आतिफ खान का नाम तकरीबन फाइनल कर लिया गया है। परवेज खटक कहते हैं सूबे में सीएम का जो भी नाम आया वो कबूल करेंगे। बलूचिस्तान में पीटीआई की अली वजारत आला के लिए जाम कमाल का नाम सामने आया है। आपको बताएं एक बड़ी खबर से अपडेट करते चलें, कप्तान जो कहेंगे वही होगा। जहांगीर तरीन का कहना है कप्तान जो भी कहेंगे उनका फैसला सर आंखों पर होगा और उनका फैसला ही हतमी फैसला माना जाएगा। पंजाब की वजारत आला के लिए उनका कोई नाम फाइनल अभी तक नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत उज़्मा के लिए आतिफ खान का नाम तकरीबन फाइनल कर लिया गया है। इसके साथ साथ परवेज खटक कहते हैं सूबे में सीएम का जो भी नाम आया वो कबूल करेंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान तरीके इंसाफ वजारत आला के लिए जाम कमाल का नाम मुकम्मल सपोर्ट करेगी। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि कप्तान जो कहेंगे वही होगा। जहांगीर तरीन कहते हैं कि पंजाब की वजारत आला के लिए कोई नाम नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत उज़्मा के लिए आतिफ खान का नाम तकरीबन फाइनल है। परवेज हटक कहते हैं कि सूबे में चीफ मिनिस्टर का जो भी नाम आया कबूल करेंगे, हतमी फैसला कप्तान ही करेंगे। आपको बताते चले कि कप्तान जो कहेंगे वही होगा। जहांगीर तरीन कहते हैं कि पंजाब की वजारत आला के लिए कोई नाम नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत उज़्मा के लिए आतिफ खान का नाम तकरीबन फाइनल कर लिया गया है। परवेज हटक कहते हैं कि सूबे में चीफ मिनिस्टर का जो भी नाम आया कबूल करेंगे। बलूचिस्तान में पीटीआई वजारत आला के लिए जाम कमाल की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। यहां बिल्कुल यहां आपको एक बड़ी खबर से अपडेट कर रहे हैं। जहांगीर तरीन कहते हैं कप्तान जो कहेंगे वही होगा, उनका फैसला हतमी फैसला होगा। जहांगीर तरीन का मजीद कहना था कि पंजाब की वजारत आला के लिए कोई नाम नहीं दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत उज़्मा के लिए आतिफ खान तकरीबन फाइनल हो चुके। परवेज खटक कहते हैं सूबे में सीएम का जो भी नाम आया वो कबूल करेंगे। बलूचिस्तान में पीटीआई वजारत आला के लिए जाम कमाल की मुकम्मल सपोर्ट करेगी। आपको बताएं कप्तान जो कहेंगे वही होगा। जहांगीर तरीन कहते हैं कि पंजाब की वजारत आला के लिए कोई नाम अभी तक फाइनल नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए आतिफ खान का नाम तकरीबन फाइनल कर लिया गया है। परवेज खटक कहते हैं सूबे में सीएम का जो भी नाम आया वो कबूल करेंगे, जबकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजारत आला के लिए जाम कमाल की मुकम्मल सपोर्ट करेगी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि जहांगीर तरीन कहते हैं कि पंजाब की वजारत आला के लिए कोई नाम नहीं दिया। कप्तान जो कहेंगे वही आखिरी फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत उज़्मा के लिए आतिफ खान का नाम तकरीबन फाइनल है। परवेज हटक कहते हैं कि सूबे में चीफ मिनिस्टर का जो भी नाम आया कबूल करेंगे। बलूचिस्तान में पीटीआई वजारत आला के लिए जाम कमाल की मुकम्मल सपोर्ट करेगी। आगे पढ़े और आपको बताएं कि तब्दीली आई तो कई मनाजर बदल गए। तहरीके इंसाफ विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए काबिल हो चुकी है। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली के लिए काफ लीग, उसके बाद जीडीए, बीएपी, एमक्यूएम ने भी हमायत का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि तहरीके इंसाफ विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। तब्दीली आई तो कई मनाजिर सामने आ गए। काफ लीग के बाद जीडीए, बीएपी और एमक्यूएम ने भी पीटीआई की हमायत का ऐलान कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ आपको बताते चलें तब्दीली आई तो कई मनाजिर बदल गए। तहरीक इंसाफ वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मुकम्मल तैयार है। कौमी असम्बली के लिए काफ लीग, जीडीए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद एमक्यूएम ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। 25 अराकीन पंजाब असम्बली और 9 आज़ाद एमएनएज आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। काबीना के लिए बनीगाला में दिन रात मुशावरत जारी है। आपको बताएं तब्दीली आई तो कई मनाजर बदल गए। तहरीक इंसाफ वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। कौमी असम्बली के लिए काफ लीग, जीडीए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद एमकेएम ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। 25 अराकीन पंजाब असम्बली और 9 आज़ाद एमएनएज आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। काबीना के लिए बनीगाला में दिन रात मुशावरत जारी है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि तब्दीली आई तो कई मनाजर बदल गए। तहरीक इंसाफ विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। कौमी असम्बली के लिए काफ लीग, जीडीए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद अब एमक्यूएम ने भी हमायत का ऐलान कर दिया है। 25 अराकीन पंजाब असम्बली और 9 आज़ाद एमएनएस पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगे। काबीना के लिए बनीगाला में दिन रात मशावरती इजलास जारी है। आपको बताते चले कि तब्दीली आई तो कई मनाजर बदल गए। तहरीक इंसाफ विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। कौमी असेंबली के लिए काफ लीग, जीडीए, बीएपी और एमक्यूएम ने हमायत का ऐलान कर दिया है। 25 अराकीन पंजाब असेंबली और 9 आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगे। काबीना के लिए बनीगाला में मशावरती इजलास जारी है।
जी हाँ बिल्कुल, यहाँ आपको अपडेट करते चलें, तब्दीली आई तो कई मनाजर बदल गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। कौमी असम्बली के लिए काफ लीग, GDA, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद MQM ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। 25 अराकीन पंजाब असम्बली और 9 आज़ाद MNAs आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इम्कान है। काबीना के लिए बनी गाला में दिन रात मुशावरत जारी है। तब्दीली आई तो कई मनाजर बदल गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। कौमी असम्बली के लिए काफ लीग, GDA, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद MQM ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है। 25 अराकीन पंजाब असम्बली और 9 आज़ाद MNAs आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इम्कान। आपको बताते चले काबीना के लिए बनी गाला में दिन रात मुशावरत भी जारी है इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि तहरीक इंसाफ वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। कौमी असम्बली के लिए काफ लीग, GDA, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद MQM ने भी हमायत का ऐलान कर दिया है। 25 अराकीन पंजाब असम्बली और 9 आज़ाद MNAs PTI में शमूलियत इख्तियार करेंगे। काबीना के लिए बनी गाला में दिन रात मुशावरत जारी है। आपको बताएं कि तब्दीली आई तो कई मनाजर बदल गए। तहरीक इंसाफ वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिएकार डॉक्टर सजाद बुखारी। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा तब्दीली आई तो कई मनाजर बदल गए, क्या देखने में आ रहा है? जी 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 अच्छा, यहाँ ये बताइएगा, जहांगीर तरीन कहते हैं कप्तान जो कहेंगे वही होगा, वही हतमी फैसला होगा, क्या इस फैसले से प्रवेश खट्टर खुश होंगे क्योंकि वो CM रह चुके हैं पहले? जी जी बिल्कुल जी
जी जी जी जी अच्छा सिजाद साहब यहाँ ये बताइएगा बनीगाला में दिन रात मुशावरती इजलास चल रहे हैं जो इजलास से जो फैसले आने हैं उन पर क्या इम्कान है किस तरह के फैसले आएंगे जी 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 बिल्कुल जी जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिजाद बुखारी साहब आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया आपका बहुत शुक्रिया खबरें मजीद भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।